हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे से एकदम भले चंगे होंगे। तो ये पिछले ब्लॉग का ही सेकंड पार्ट है। तो ये प्रेशर कुकर मैं यूज़ कर रही थी, तो इसमें मैंने खिचड़ी छौंक लगाई थी। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी इसकी वाइस है। तो चलिए, खिचड़ी बन चुकी है, खिचड़ी हमारी पक चुकी है। सीटी रिलीज़ हो जाए तो हम परोसते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खिचड़ी तैयार है नए प्रेशर कुकर की। बताइएगा कि आपको कमेंट में कि ये प्रेशर कुकर कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं। तो यहाँ पे सीटी मेरी रिलीज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि पापा जी को जाना भी है और खिचड़ी गर्म गर्म ही अच्छी लगती है। तैयार हो गई है नया प्रेशर कुकर। इसका ढक्कन बहुत भारी है। ये देखिए, यम्मी सी खिचड़ी तैयार हो गई है मेरी। रुकिए, आ जाइए फटाफट से। हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप सब अच्छे से एकदम भले चंगे होंगे। और तबीयत अभी मेरी पूरी तरह से ठीक नहीं है और सुयासिश हो गई है। शाम का बज रहा है 7:30 और मैं अब उठी हूँ और खाना बनाने के लिए, क्योंकि डिनर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मैंने सुबह बनाया था आलू और सेम की सब्जी और रोटी, बस और कुछ नहीं बना पाई थी। और मैं अब उठी हूँ और आज है त्योहारी एकादशी। आज के दिन सब्जी बनती है वो भी सिंघाड़े की। तो मैंने सिंघाड़े बॉयल कर लिए हैं और बॉयल करके कुछ ही करके रख लिया है। तो मैंने सोचा चलिए ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। हिम्मत करके उठे हैं, मेरी आवाज़ भी आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, काफ़ी बुरी आवाज़ निकल रही है। मैं समझ रही हूँ इस तरह से आप लोग अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। लेकिन मेरी तबीयत ही इतनी ख़राब है, मैं क्या करूँ, मैं आवाज़ कैसे सही करूँ। तो सो फ्रेंड्स, चलिए बातें कम कर लेते हैं और काम को स्टार्ट करते हैं। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी सिंघाड़े की स्पेशल सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने छील करके रखे हैं सिंघाड़े। तो सिंघाड़े बहुत जल्दी बॉयल हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने इनको छील करके रख दिया है। तो अभी सिंघाड़े इतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन आज बनता है इसलिए मंगा के मैंने बनाया है। और मैंने पहन लिया हाथ करके, मुझे ठंड भी लग रही है और फीवर भी आ रहा है। तो पूरी सिटी में क्या, पूरे इंडिया में ही वायरल फैला हुआ है। तो सभी को हो रहा था, बच्चों को हो चुका था, इनको भी हो चुका था, बस मैं ही रह गई थी तो मुझे भी हो गया। तो मेरे तो लेटने से काम नहीं चलेगा, मुझे तो खाना बनाना ही है। नहीं बनाएंगे तो बच्चे क्या खाएंगे और ये सभी लोग क्या खाएंगे। तो मैं जा रही हूँ आज स्पेशल सिंघाड़े की सब्जी। फीवर तो अब नहीं है, मेरा फीवर तो उतर चुका है, तो चलिए खाना बना लेते हैं। तो आज की स्पेशल सब्जी है सिंघाड़े की सब्जी। पापड़ में चॉप कर लेती हूँ एक ग्रीन चिली, अदरक और दो टमाटर को इसमें चॉप कर लेंगे। और सब्जी में चॉप लगाऊंगी, गरम मसाले में ऐड नहीं कर रही हूँ। बस इसमें जिसका ध्यान रखना है कि मुझे काली मिर्च का यूज़ करना है। काली मिर्च का टेस्ट सिंघाड़े की सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट करता है। तो आप कभी भी बनाएं तो सिंघाड़े में काली मिर्च जरूर डालें, काली मिर्च का फ्लेवर बहुत टेस्ट करता है। मिर्च का पाउडर और अदरक और टमाटर और एक हरी मिर्च डाल दी हूँ, इसको हम चॉप कर लेंगे। तो ये आ चुके थे, तो इन ये गोलगप्पे लाए हैं, तो बच्चों को खिला देते हैं। आप भी आ जाइए। तो ये चॉप कर लिया मैंने, इसी से तो उसके बाद भी मैंने मसाले को चॉप कर क्या चाहिए कहीं भी कुछ तो चाहिए क्या दीदी को नहीं चाहिए, दीदी को मत देना, सब कुछ दीदी को दो। तो चलिए सब्जी में छौंक लगा देते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है हमारा।
ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हमने हींग डाल दिया है। इसमें डाल देंगे जीरा, डाल देंगे हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, और डाल देंगे इसमें हम ये मसाले। तो अच्छे से पकाएंगे इन्हें। तो अब इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच नमक, नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, और इसको अच्छे से चला लेंगे। इन मसालों को हमें पकाना है, जलाना नहीं है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि टमाटर अदरक और हरी मिर्च है, इसको हमें अच्छे से कुक करना है। तो जैसे ही कुक हो जाएगा तो तेल सेपरेट हो जाएगा और मसाले अलग हो जाएंगे हमारे। तो ये करीब 80% पक चुका है, अभी 3 मिनट और लगेंगे। तो ये मसाले हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। इस प्रोसेस पे हम ऐड कर देंगे अपने ये सिंघाड़े। बॉइल्ड है, हमें टाइम नहीं लगना है। अब इन मसालों के साथ इन सिंघाड़ों को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। इन्हें आप सूखा भी खा सकते हैं, क्योंकि ये बॉइल्ड है, कुक है, तो अब इसमें टाइम लगना नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसके साथ कुक कर लेंगे। ये देखिए सिंघाड़े हमारे कुक हो चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी। पानी आप ग्रेवी के हिसाब से रखिए। तो मैं आज राइस नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आज एकादशी है, तो आज चावल तो खाए नहीं जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ रोटी खानी है। तो उसी हिसाब से मैं ग्रेवी को अपनी बनाऊँगी। तो अब इसको ढक करके हम 5 मिनट और पका लेंगे, और ये सब्जी हमारी रेडी है खाने के लिए। ये देखिए ग्रेवी कितनी टेस्टी लग रही है, अभी से स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। तो इसको ढक करके हम 3 मिनट और पका लेंगे, उसके बाद हम सब्जी को हटाकर रोटी सेक लें। तो चलिए चेक कर लेते हैं सब्जी का क्या हाल है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी कितनी टेस्टी लग रही है। तो थोड़ी देर और पका लेंगे, उसके बाद इसको हम उतार लेंगे। तो चलिए हम रोटी सेक करके तब मिलते हैं। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए और ढक देंगे इसी माच पर सर से। सब्जी हमारी कुक हो चुकी है, अब इसको हम ऑफ कर देते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ी कटी हरी धनिया बारीक। तो ये सब्जी हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये है स्पेशल सिंघाड़े की सब्जी, मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, है ना वेरी टेस्टी स्पाइसी सी सब्जी। कैसी लगी आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बिना प्याज और लहसुन की है, और बहुत ही कम मसाले इसमें ऐड है। तो ये है आलू और सेम की सब्जी, जो कि मैंने लंच में बनाई थी। ये थोड़ी थोड़ी दे देते हैं। और ये है हमारी सिंघाड़े की सब्जी, है ना बहुत ही टेस्टी लग रही है, यम्मी लग रही है। चलिए सर्व कर देते हैं। डिनर लग गया है तो आप लोग तो आ जाइए फ्रेंड्स, मैंने प्लेटिंग कर ली है। आज है स्पेशल सिंघाड़े की सब्जी, तो इस सीजन का पहला सिंघाड़ा मैंने बनाया है, और ये गर्मा गर्म रोटी और आलू सेम की सब्जी। तो डिनर कर लीजिए। चलिए पापा जी को दे देते हैं, और इनकी भी थाली लगा दी है मैंने। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कॉमेंट करके बताइए कैसी लगी। अब पापा मारेंगे, अब तुम्हारी पिटाई बिल्कुल निश्चित है। तो उधर मैं पापा को खाना दे रही थी, और इधर ये कि पूर्ति ये नई वीजोन क्रीम होती है ना सेविंग वाली, वो लेकर बैठी है इनकी, इनको खुद नहीं पता है। और देखिए चुपचाप ये हरकतें कर रही है फ्रिज के पीछे पर। तो चलिए फ्रेंड, इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आए। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।